ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं इस फॉर्मूला से विभिन्न प्रकार का प्रश्न सॉल्व होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। पहला प्रश्न, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आपको ध्यान देना है, इसी फॉर्मूला को यूज करना है, लेकिन वृद्धि वाला को प्लस में लेना है और कमी वाला को माइनस में लेना है। तो 20% का वृद्धि है तो आपको प्लस में 20 लेना है, और 20% का कमी है तो माइनस में आपको लेना है, और दोनों को गुणा करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में आएगा, और दोनों को यहाँ पर गुणा में लिखना है और बटे 100 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर घट के 0, यहाँ पर कितना बचेगा, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 काटेंगे तो 2 × 4 माइनस में आ रहा है, तो कमी अगर प्लस में आता तो वृद्धि होता, तो 4% का कमी देख लीजिए कहाँ पर है, तो ग ऑप्शन सही है। सबसे पहले प्रश्न को समझना है, फॉर्मूला तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन प्रश्न तरह तरह का रहेगा। एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन है, तो वृद्धि वाला को प्लस में, 20% का वृद्धि है तो प्लस में लेंगे, और 25% का कमी है तो इसको माइनस में लेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो एक प्लस एक माइनस माइनस में होगा, और दोनों को यहाँ पर गुणा में रखेंगे, इसके बाद बट्टे में 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर -5 बचेगा, और यहाँ पर तो सबसे पहले 25 × 100 और 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पर -5 जोड़ देंगे तो -10 हो गया, यानी कि माइनस में आया तो कमी, 10% का कमी, तो ख ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन प्रश्न को समझना होगा, प्रश्न तरह तरह का होगा, फॉर्मूला एक ही होगा। तो और वीडियो को पूरा देखिएगा। एक वस्तु की कर की दर में 20% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 20% वृद्धि कर दी गई, धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 20% का वृद्धि, तो वृद्धि वाला को प्लस में और कमी वाला को माइनस में, और दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और दोनों को यहां पर गुणा करेंगे और बट्टे में 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये घट के 0, और यहां पर देख लीजिए तो यहां पर 0 काटेंगे, 2 × 4 यानी कि 4% का कमी, माइनस में आया तो कमी होगा, तो देख लीजिए 4% का कमी कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, और वीडियो को पूरा देखिएगा कि क्योंकि प्रश्न तरह तरह का आने वाला है। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, आयत पर आधारित भी पूछा जा सकता है और वर्ग पर आधारित भी पूछा जा सकता है। तो 10% का वृद्धि तो आपको 10 लेना है प्लस में, और 10% का कमी है तो 10 आपको लेना है, दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और दोनों को यहां पर गुणा में रखेंगे और बटे में 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर घट के 0, तो ये कट चुका है, यहां पर कितना बचेगा, इसको काटेंगे तो 1 × 1 यानी कि -1 आया, 1% का कमी होगा, तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न समझ में आ गया तो फॉर्मूला तो एक ही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन आपको प्रश्न को समझना है कि किस किस तरह का प्रश्न आएगा, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या में परिवर्तन क्या होगा। तो 10% का वृद्धि तो 10 लेना है, और 10% का कमी तो आपको -10 लेना है, दोनों को गुणा करना है तो एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस ही आएगा, दोनों को गुणा कर दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक कट के 0, और यहां पर माइनस में ये कटेगा तो 1 × 1 यानी कि आ गया -1 यानी कि 1% का कमी, तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न समझ में आ गया तो फॉर्मूला तो एक ही यूज करना है। मोहित के वेतन में 10% कमी कर दी गई, इस कम किए गए वेतन में 10% वृद्धि कर देने पर मोहित को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। तो 10% का वृद्धि है और 10% का कमी है, तो हमेशा इसमें 1% का हानि यानी कि कमी होगा। तो 10% का वृद्धि है तो वृद्धि वाला को प्लस में, कमी वाला को माइनस में, दोनों को गुणा कीजिए तो प्लस माइनस माइनस, और दोनों को गुणा करिए और बटे में 100 कर दीजिए, बट्टे में 100 कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएगा और यहाँ पर -1 आएगा, ये कटेगा तो 1% का कमी यानी कि हानि हुआ है, देख लीजिए 1% का कमी कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण बहुत ही मुश्किल लगता है। इस प्रश्न में क्या बोला है, किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती हो तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखिए इस तरह का प्रश्न बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एक ही तरह का प्रश्न आ रहा है, अब नहीं देखेंगे, लेकिन देखिए इस तरह का प्रश्न को भी इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु के मूल्य में यदि 10% की बढ़ोतरी, तो 20% का बढ़ोतरी है तो 20% का बढ़ोतरी कर दीजिए, इसके बाद 30% की कमी होती है बिक्री में, तो इसको माइनस में ले लीजिए और एक प्लस एक माइनस गुना करेंगे तो माइनस, और दोनों को गुना यहां पर कीजिए और बटे में 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर माइनस में आ रहा है 10 आ रहा है, और यहां पर देखिए इसको काटेंगे तो 3 × 6
तो कितना हो जाएगा माइनस में 16, यानी कि कमी, यानी कि हानि, कमी या हानि माइनस में आया तो क्या है यहाँ पर कमी, यानी कि 16% का कमी हो जाएगा, वृद्धि या कमी होगी तो 16% की कमी होगी। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न को समझिए, आपको प्रश्न को समझना है, फॉर्मूला तो एक ही यूज करना है। जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है, बात तो सही है कि अगर कीमत को घटा दिया जाएगा तो बिक्री बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक लोग चाहते हैं कि सस्ता में मिल जाए, तो 30% घटाती है तो स्कूटरों की बिक्री में 30% बढ़ जाती है। तो अब यहां समझिएगा, बिक्री में बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है उसको प्लस में, और कीमत में कमी हो रहा है तो 30% का कमी, तो इसको माइनस में, और दोनों को गुना करेंगे तो एक प्लस एक माइनस, तो माइनस में होगा और दोनों को यहां पर गुना कर दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ये कट के जीरो, और यहां पर ध्यान दीजिए 2 जीरो कट जाएगा, 3 तिहाई 9, यानी कि माइनस में आया। इसका मतलब कि 9% का कमी होगा या हानि होगा, तो देख लीजिए 9% का कमी कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर। अब यहां पर समझिएगा, आपको सिर्फ प्रश्न को समझना है, फॉर्मूला तो एक ही यूज हो रहा है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो दोनों बार खरीदने के समय और बेचने के समय धोखा कर रहा है, तो दुकानदार को दोनों समय फायदा ही हो रहा है, धोखा क्यों करेगा, फायदे के लिए करेगा ना, तो दोनों समय फायदा हुआ है। तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस में लेना है, दोनों को प्लस में लेना है, गुना करेंगे तो भी प्लस में ही होगा, और बटे में 100 कर देंगे तो देख लीजिए यहां पर क्या होगा, यहां पर जोड़ेंगे तो 20 होगा ना, 10 10 20, और यहां पर इसको काटेंगे तो 1 एकम 1, यानी कि 21% का फायदा हुआ, लाभ हुआ, तो ये प्लस में आया तो फायदा हो गया ना, तो देख लीजिए ख ऑप्शन सही है, 21% का लाभ होगा यानी कि फायदा होगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न को समझना है, इसमें आपको प्रश्न को समझना है, फॉर्मूला तो एक ही यूज हो रहा है। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी, दोनों बार बढ़ाया गया है, तो सबसे पहले 20% बढ़ाया गया तो प्लस में, फिर से 10% बढ़ाया गया प्लस में लेंगे, और दोनों को गुना करेंगे, दोनों प्लस में है तो 20 × 10 करेंगे और बटे में 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको जोड़ने से हो रहा है 30, और यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 2 एकम 2 इतना आ गया, यानी कि 32 आया तो प्लस में आया, तो प्लस में आएगा तो क्या होगा, यानी कि लाभ या वृद्धि होगा, तो देख लीजिए लाभ या वृद्धि लिखा हुआ होगा, तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी, यानी कि 32% का बढ़ोतरी होगा, देख लीजिए क ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न अब नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।